नमस्कार, हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। प्रभाग 11 के गोरेवाड़े रोड के डामरीकरण का भूमि पूजन समारंभ पश्चिम नागपुर के आमदार विकास ठाकरे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उपराजधानी नागपुर के गोरेवाड़ा रोड की हालत विगत कई वर्षों से दयनीय स्थिति में रही है, जहां रोड कम गड्ढे ज्यादा नजर आते रहे हैं। यहां के नागरिकों को रात में आवागमन के समय काफी तकलीफों का सामना करते रहना पड़ा है। क्षेत्र के नागरिकों ने कई बार यहां के जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया, मगर इस ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के नागरिकों का हमेशा से ही यह आरोप रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए गोरेवाड़ा सदैव उपेक्षा का शिकार रहा है। पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने इस ओर संज्ञान लेते हुए अपनी विकास निधि से 60 फीट के डामरीकरण रोड को मंजूर करवाया है, जिसका भूमि पूजन समारंभ गोरेवाड़ा रोड स्थित सम्राट चौक पर सभी कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर हिंदुजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए समाज सेविका मंजूषा चाचेकर ने कहा कि गोरेवाड़ा का विकास तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर यहाँ के पूर्व विधायक एवं जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। आज का भूमि पूजन, ये 60 फुट का रोड है गोरेवाड़ा का। गोरेवाड़ा से निर्मल नगर तक का पूरा रोड बन रहा है, दुर्गा चौक से लेके तो निर्मल नगर, और 60 फुट का रोड है। यहाँ कई सालों से दिक्कत थी, तो उसी का भूमि पूजन हुआ है आज। देखने में ये आ रहा है कि विगत 10-15 सालों में जैसा गोरेवाड़ा का विकास होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, इसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि नगर सेवक यहाँ के अच्छे नहीं थे, और ना हमको आमदार अभी तक अच्छे नहीं। तभी हम लोग जब भी गए नगर सेवक के पास में और आमदार लोगों के पास में, तब हमको सिर्फ यही बोला गया कि हम गोरेवाड़ा से नहीं चुन के आते, हम जहाँ से चुन के आएंगे वहाँ का विकास करेंगे। जबकि वो यही के नगर सेवक है, यही के आमदार, लेकिन यहाँ का कभी विकास नहीं होता। जब से विकास भाव आए हैं, तब से हमारे सभी काम हो रहे हैं, और विकास भाव की वजह से ही आज हमारी हर समस्या का निवारण हो रहा है। हम जो भी समस्या विकास भाव के पास लेके जाते हैं वो हमारी हल होती है, और कभी विकास भाव ने ये बोला नहीं हमको कि हम तुम्हारे एरिया से नहीं आए, हम झिंगाबाई टाकरी से है तो हम सिर्फ झिंगाबाई का ही विकास करें, हमें गोरेवाड़ा से वोट नहीं मिले तो हम गोरेवाड़ा का विकास करें। अक्सर यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग रहते हैं, ज़्यादातर संख्या जो वो है एस सी कैटेगरी, यहाँ रहते सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट, तो उस वजह से यहाँ पे आते तो है सिर्फ उसकी वजह से कि झिंगाबाई टाकरी से हम चूक जाते, हम गोरेवाड़ा से नहीं आते, तो हम गोरेवाड़ा का विकास नहीं करते। अगर आपको जनप्रतिनिधि बनने का मौका देती है तो आप जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? यही समाज कार्य करूँगी मैं, जब अपना खुद का लगा के कर सकती हूँ। मेरी फ्री ट्यूशन क्लासेस चलती है, मैं जी फाउंडेशन की संस्थापक हूँ, अध्यक्ष हूँ, और हमारा लेडीज़ों का ही ग्रुप, हम जी फाउंडेशन लेडीज़ लोग ही चलाते हैं, और हम सबसे पहले तो हम बच्चों को शिक्षा देंगे, दूसरे तो सड़कें, पानी, या सबसे ज़्यादा हमारे गोरेवाड़ा का तालाब है कि हमको पानी की दिक्कत है, हमारे ऊपर पानी नहीं चढ़ता, हमको कितनी बार इसके लिए मोर्चे निकालने पड़ते, बोलना पड़ता, जा के बोलना पड़ता कि पानी का फोर्स छोड़ो, फोर्स छोड़ो। पता नहीं गोरेवाड़ा वालों से क्या दुश्मनी है बाकी नगर से उपभोग की आमदनी की, लेकिन हमारे इधर कुछ काम ही नहीं करते। 2.5 साल से काम हो रहा है हमारे, 2.5 साल से पहले हमने कभी देखे नहीं। इस अवसर पर प्रमोद सिंह ठाकुर, आनंद तिवारी, डॉक्टर मंगेश मेंडे, सुरेश कालवांडे, डॉक्टर अमित मेंडे एवं निरंजन सहित अनेकों कार्यकर्ता व क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।